नमस्ते बच्चों, आज हम आपकी किताब का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है नादान दोस्त। नादान जिन्हें समझ नहीं हो उन्हें हम कहते हैं नादान। तो देखिए, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आँखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी, यानी कि दूध पीना और जलेबी खाना भी वो भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर यानी पंख, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुट से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर यानी बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, गुजर जाना बीत जाना। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चारे का सवाल खाने पीने का या उनके दाने का सवाल। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।